हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आज सुबह 6:30 बजे से उठी हूँ और मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आई है। मतलब मैं रात को ऑलमोस्ट 2 बजे सोई थी। जो इचिंग चालू हुई है मुझे, आधा घंटा ही सोई हूँ और फिर जो इचिंग स्टार्ट हुई है मुझे नींद नहीं लगी। सुबह जैसे हुआ लाइक 6:30 या फिर मैं उठ कर आ गई नीचे, थोड़ा हवे में नीचे आई हूँ। मैं वॉक कर रही हूँ, अभी 8 बज गया है। वॉक किए जा रही हो वेट कर रही थी कि लाइक धूप वगैरह कुछ आएगा, बट ऐसा यहाँ पर धूप का नामो निशान नहीं है। ऑब्वियसली बारिश का मौसम है तो बारिश आएगी, धूप कहाँ से ही आने वाला है। बहुत ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ ना इस चीज़ से, मेरी नींद पूरी नहीं होती है रात भर। मतलब इतना ज़्यादा इचिंग होता है। पर हवा अच्छी चल रही थी और शायद मैंने वॉक किया या जो है पता नहीं किसकी वजह से अभी फिलहाल स्टॉप हुआ है, वरना मेरी पूरी थाइस मतलब भर गया था। थोड़े टाइम में ऊपर चली जाऊँगी, घर में ऊपर चली जाऊँगी, हमेशा के लिए ऊपर नहीं जाना। यहाँ पे थोड़ी धूप आती है तो मैं यहाँ पे आके खड़ी हो जाती हूँ, फिर वो धूप भी चली जाती है। वहाँ पे थोड़ी धूप आती है तो मैं वहाँ पे जाके खड़ी होती हूँ, फिर वो भी चली जाती है। तो ये एक ऐसा मतलब एलर्जी है क्या है, और मैंने पढ़ा, मैंने रिसर्च किया यूट्यूब पे वीडियोस देखे, ये बहुत लोगों को होता है और उनकी कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मेरी भी अभी मैं वही फेस में हूँ कि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है। पैचेस से भर जाता है, फेस सोलन हो जाता है और मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ, ज़्यादा इचिंग होता है मुझे और इरिटेशन तो अलग से होता है। और ये चीज़ आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर करेगा कि आपका सारा शेड्यूल बिगड़ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या कर रहे हो। कोई चीज़ पे फोकस नहीं कर पाती हूँ इस चीज़ की वजह से। पहले तो मैं अगर मेरी जो एलर्जी की टैबलेट्स अगर वो खा लेती थी तो मेरा ठीक भी हो जाता था, पर अब टैबलेट्स भी मैक्सिमम 1 से 1.5 दिन असर करता है, उसके बाद फिर से इसका लेवल बहुत एक्सट्रीम पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने लगता है आपको। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा मैं रो क्यों रही हूँ, मतलब चैन से बैठने भी नहीं देगा यार। धूप भी है अजीब सी और बारिश भी होने लग गई, मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं घर जाऊँ। मैंने कॉल किया था मेरे मॉम को कि मम्मी से बात कर लूँगी, आई फील लिटिल ओके, मम्मी का फोन नहीं लग रहा है। मतलब रात को ये इशू इतना ज़्यादा होने लगता है ना, अब मुझे खुद पर गुस्सा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा रो क्यों रही हूँ। ये बारिश भी आ गई, धूप तो आ ही नहीं रही। मतलब मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होता है, वैसे आपके पास सब लोग हैं घर पे, राहुल है, मम्मी पापा है, सब कोई है, बट जो आपके मॉम डैड होते हैं आपको वही चाहिए होते हैं साथ। फिलहाल मुझे पता नहीं मॉम डैड चाहिए। अब मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं गांव चली गई हूँ मेरे मम्मी पापा के पास, वहाँ पे मुझे ज़्यादा बेटर फील होगा। अब नीचे आई हूँ तो थोड़ा ठीक है, पर मैं जैसे ऊपर जाऊँगी फिर कुछ भी होने लगेगा, फिर से इचिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो इशू है ना मुझे घर के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि कभी कोई इस चीज़ का बात नहीं करता है, मतलब इचिंग तो लोगों को बहुत
उससे वो एम्बैरसिंग फील होते हैं कि इस चीज़ के बारे में नहीं बात करनी चाहिए, ये कोई ऐसा सिचुएशन है जो किसी को नहीं बताना चाहिए। बट मैं सच बोल रही हूँ, आप जब बात करने लगते हो, किसी से शेयर करने लगते हो, आपको ज़्यादा बेटर फील हो जाता है रादर देन अपने अंदर रखने से। मैंने सोचा मेरे मॉम डैड से बात कर लूँगी, मेरा उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। मुझे जाके बहुत अच्छा खासा धूप दिखा रहा है, धूप में खड़ी रहती हूँ क्योंकि यहाँ पे तो बैठने की जगह है ही नहीं और पूरा अलग गीला गीला हुआ पड़ा। मैंने अच्छा खासा अपना रूटीन स्टार्ट कर दिया था, मतलब सुबह उठ कर सारा काम वाम निपटा कर, फिर वर्कआउट थोड़ा बहुत कर कर, फिर अपना कंप्यूटर पे बैठ जाओ, अपने काम पे फोकस करो और वो सब। बट अब ये जब से स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीना में, मैं बिल्कुल भी आउट ऑफ फोकस हूँ। सच बताओ, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है ना लाइफ में, तो आप रोकर उस चीज़ को निकाल दो अपने अंदर से, वरना अगर आप नहीं रोकर उस चीज़ को अंदर ही रखते हो ना, आप अंदर ही घुट घुट कर रहना कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी स्टेज पर आ सकते हो, कुछ भी डिसीजन ले सकते हो खुद से, खुद के बारे में नहीं सोच के, खुद के किसी के बारे में नहीं सोच के। तो इसीलिए अगर आपको रोना आता है, आपको फ्रस्ट्रेशन फील होता है, तो प्लीज़ 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 रोइए, उस चीज़ को बाहर निकालिए, किसी से बात करिए, ज़्यादा फील होता है बेटर। मुझे फ़िलहाल ठीक लग रहा है। और प्लीज़ यार गाइस, अगर आप लोग को भी ऐसे कभी आप सिचुएशन में आते हो तो इसको बाहर निकाल दो, क्योंकि अंदर रखने से कोई मतलब नहीं बनता, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट इज़ बेटर कि आप बोलो, बात करो, शेयर करो। अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे अब भी नहीं समझ रहा मैं क्यों रोने लगी। इट वॉज जस्ट, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी और अच्छा हुआ मैं रो गई, और वो चीज़ अब मेरी जहन से बाहर है कि रोने से आधा धूप आपका वैसे ही ठीक हो जाता है। और मम्मी से भी ट्राई करती हूँ मम्मी को फोन लगाने का, मम्मी से बात कर लेती हूँ तो मेरी सारी तकलीफ वैसी दूर हो जाएगी। दिन में एक बार तो मम्मी पापा से बात हो ही जाती है। यहाँ पे थे वो तो मैं को राउंड लेकर भी चला जाता, बट अब वो गाँव में है तो फिर लेकर जाने का मतलब वो सवाल ही नहीं पैदा होता। और अब मैं सोच रही हूँ अपने घर से चली जाऊँ, मुझे भूख भी लग रही है। मैं जाती हूँ और अपना नारियल पानी पी लेती हूँ फटाफट। लेट्स गो होम। राहुल पता नहीं सोए होगा उठा होगा, वैसे राहुल हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, बट समटाइम्स वो एक अलग फेज़ होता है जहाँ पे आपको यू नो आपके मॉम डैड चाहिए होते हैं। मॉम डैड तो मॉम डैड ही हो सकते हैं, उनकी जगह मतलब कोई नहीं ले सकता। एक अलग अटैचमेंट और फीलिंग होती है आपके अपने मॉम डैड से, क्योंकि बस वही फुलफिल कर सकते हैं आपके लाइफ में। अभी मैं घर जा रही हूँ और मैं कल से ना मतलब सुबह आ जाऊँगी, बट अपने बूट और यू नो अपने जॉगिंग के कपड़े वपड़े पहन के अच्छे से, ताकि मैं थोड़ा वर्कआउट भी कर लूँ।